हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल मुन्नीदास। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि MSCI इंडिया इंडेक्स क्या होती है, कैसे काम करती है और हमें इसको क्यों फॉलो करना चाहिए। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि इस टाइप का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो MSCI जो इंडिया इंडेक्स है इसको तो हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपके मन में सवाल है कि MSCI क्या होती है, तो तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्स वीडियो बनाई हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। आप जरूर उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम शॉर्ट्स में पहले ये जान लेते हैं कि MSCI क्या होती है। जो MSCI होती है इसका फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। तो बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्री है उन सारे डेवलपिंग कंट्री को लेके ग्लोबल MSCI इंडेक्स बनाया गया है। तो डेवलपिंग कंट्री के जितने सारे जो बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स है इन सारे क्वालिटी के स्टॉक्स इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो इस जो ग्लोबल इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स में जो डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडेड है, तो हर डेवलपिंग कंट्री के लिए MSCI ग्रुप ने अलग अलग से एक इंडेक्स बनाया है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे इंडिया भी ग्लोबल इंडेक्स में, जो ग्लोबल MSCI इंडेक्स है इसमें इंक्लूडेड है। सो इंडिया का भी एक अलग से इंडेक्स है जिसको कहा जाता है MSCI इंडिया इंडेक्स। तो MSCI इंडिया इंडेक्स जो है ये 30 अप्रैल 1993 को बनाया गया है। भारतीय बाजार में जो लार्ज कैप और मिड कैप है, लार्ज कैप मिड कैप सेगमेंट की परिमाप करने के लिए ये बनाया गया है। और दोस्तों, ये जो MSCI इंडिया इंडेक्स है, MSCI इंडिया इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है, हर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर सिलेक्ट किया जाता है। एंड उसके बाद हर स्टॉक्स की वेटेज भी सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर अभी आप देखने जाओगे तो MSCI इंडिया इंडेक्स में आपको टोटल 122 स्टॉक्स देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नवम्बर के एंड में और भी 9 स्टॉक्स ऐड करेगा। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं कि ये 9 स्टॉक्स कौन सा है। और दोस्तों, ये MSCI इंडिया इंडेक्स में हर साल स्टॉक्स जो होती है, हर साल कोई भी स्टॉक्स अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करता है तो उसको MSCI इंडिया इंडेक्स से निकाल दिया भी जाता है। अगर बाहर से कोई स्टॉक्स अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको ऐड भी किया जाता है। एंड कुछ स्टॉक्स का वेटेज भी बढ़ाया जाता है और घटाया भी जाता है। तो इस साल जो स्टॉक्स का वेटेज बढ़ाया गया है इसमें है जोमाटो, उसके बाद है HAL एंड जियो फाइनेंस के स्टॉक्स में, ठीक है, वेटेज बढ़ाया गया है। तो अभी हम ये जानेंगे कि ये जो MSCI इंडिया इंडेक्स है इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमको क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो आपने सुना होगा जो FII होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, ये डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। इसलिए ये क्या करता है, जो MSCI इंडेक्स है इसको रिसर्च करता है एंड देखता है कि कौन कौन स्टॉक्स को ऐड किया जा रहा है और किसका वेटेज को बढ़ाया जाता है। क्योंकि जो स्टॉक्स को ऐड किया जाता है और वेटेज बढ़ाया जाता है, इन सारे स्टॉक्स में ये जो FII होती है ये इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। इसलिए हम लोगों के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है कि उन लोगों के साथ साथ अगर हम भी इन सारे स्टॉक्स को फॉलो करते हैं एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोगों को भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि बाहर से अगर कोई भी स्टॉक्स में पैसे आती है तो उस स्टॉक्स में तेजी से अपमूव देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए हमें इन सारे डेटा को फॉलो करना चाहिए ताकि स्टॉक सिलेक्शन करने में हम लोगों को ईजी हो। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि ये MSCI इंडिया इंडेक्स को फॉलो करना क्यों जरूरी है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कौन कौन स्टॉक्स को ये MSCI इंडिया इंडेक्स में इंक्लूडेड किया गया है। जैसे कि इधर आप देख सकते हो कि मीन वाइल MSCI हैज नॉट डिलीटेड एनी स्टॉक्स फ्रॉम द इंडिया इंडेक्स। इंडिया इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स इंक्लूडेड है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 122 स्टॉक्स इंक्लूडेड है, दैट मीन्स कि 122 स्टॉक्स में से कोई भी स्टॉक्स को नहीं निकल दे रहा है। ठीक है, द चार्जेस इज कंस्टिट्यूएशन फॉर द MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स विल टेक प्लेस ऑफ द क्लोज ऑफ नवंबर 30, 2023। 30 नवंबर को, जैसे कि मैंने बताया कि और भी 9 स्टॉक्स इंक्लूडेड होगा, ठीक है, तो उसका जो लिस्ट आएगा ये 30 नवंबर को आएगा। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि आप इधर पढ़ के जान सकते हो, लेकिन जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो इसको ही हम सिर्फ कवर करेंगे। एंड इधर आप देख सकते हो कि पोस्ट रिवैलेंस इंडिया स्टॉक काउंट विल राइज टू 131। जैसे कि 122 स्टॉक्स से और भी 9 स्टॉक्स अगर इंक्लूडेड किया जाएगा तो टोटल मिला के होगा 131 स्टॉक्स। ओके, एंड इधर आप देख सकते हो कि इंडियाज वेट्स
are said to move close to 16.3% compared to the current 15.9%. मतलब पहले 15.9% था, इसको बढ़ा के, इसका वेटेज को बढ़ा के 16.3% कर दिया जा रहा है, जो हमारे इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कौन सा 9 स्टॉक्स को इंक्लूडेड किया गया है। तो ये आप साइड में देख सकते हो, जैसे कि इधर आप देख सकते हो इंडसइंड बैंक, उसके बाद 197 कम्युनिकेशन, टाटा मोटर्स एंड स्विट्जरलैंड एनर्जी। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इधर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि है APL एपिलो ट्यूब्स, उसके बाद है माइक्रोटेक डेवलपर्स, असिस्टेंट सिस्टम, उसके बाद है पॉलीकैप इंडिया एंड टाटा कम्युनिकेशन। तो टोटल इधर कुल मिला के 9 स्टॉक्स इंक्लूडेड किया जाएगा, जो कि आपको 30 नवंबर 2023 में इसका लिस्ट देखने के लिए मिलेगा। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि ये जो MSCI इंडिया इंडेक्स है ये क्या है और ये कैसे काम करती है और इसको हमें क्यों फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।